टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय सबसीक्वेंस। सबसीक्वेंस क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल फर्स्ट। सपोज आपके पास कोई भी एक सीक्वेंस है, मैंने सिर्फ एन ही सीक्वेंस ले ली। एन सीक्वेंस का मतलब अ सीक्वेंस विच कंटेन्स एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी सब सीक्वेंस बनाने का मतलब क्या है, मुझे इसी सीक्वेंस के एलिमेंट से एक नई सीक्वेंस बनानी है, और वो किस तरह से बनानी है, मुझे इसके एलिमेंट्स चूज करने हैं। सो इफ आई टेक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस एज 3, मैंने इसका एक एलिमेंट चूज किया 3, और वो इस नई सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट बना दिया। फिर इस सीक्वेंस में से एक और एलिमेंट चूज किया 5, और वो इस सीक्वेंस का हमने सेकेंड एलिमेंट बना दिया। सिमिलरली एक और एलिमेंट चूज किया सपोज 7, इससे नेक्स्ट एलिमेंट होगा, वो हमने इसका थर्ड एलिमेंट बना दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना कि अगर आपने ये 7 इसका थर्ड एलिमेंट बनाया है तो आप 6 को इसका नेक्स्ट एलिमेंट नहीं बना सकते। ठीक है, क्या करना है, आपने जो एलिमेंट आपने चूज किया नेक्स्ट एलिमेंट इस सीक्वेंस का, इस एलिमेंट के बाद का एलिमेंट चूज करना है, उससे पहले वाला एलिमेंट चूज नहीं करना। इस टाइप से आपने एक पूरी सीक्वेंस क्रिएट करनी है, और जो ये सीक्वेंस आएगी दिस इज सेड टू बी सब सीक्वेंस ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। ठीक है, क्या कहा हमने, गिवन सीक्वेंस में से एक नई सीक्वेंस बनानी है, किस तरह से, उसके एलिमेंट्स को चूज करके। बट द कंडीशन इज कि जो एलिमेंट हमने पहले चूज कर लिया है, नेक्स्ट एलिमेंट उस एलिमेंट के बाद वाले एलिमेंट्स में से चूज करना है, पहले वाले एलिमेंट से चूज नहीं करना। दिस इज द मेन कंडीशन। इसी चीज को उसने मैथमेटिकली लिखा हुआ है, क्या काम है कि an अगर कोई भी गिवन सीक्वेंस है तो हमें नेचुरल नंबर्स का एक ऐसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस चूज करना है, सच दैट उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म्स बनेंगी, an के क्या है, ये हमने सीक्वेंस चूज किया, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इस सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो फिर से एक नया सीक्वेंस बनाएंगी, एंड दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी सब सीक्वेंस ऑफ द गिवन सीक्वेंस। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। लाइक हियर, यहाँ 3 क्या है, इट इज थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, फिर दिस इज योर फोर्थ टर्म, दिस इज योर फिफ्थ टर्म, नेक्स्ट 6th टर्म, नेक्स्ट इज 7th टर्म। हमने जो सीक्वेंस बनाई उसमें जो हमने n1 चूज किया इस सीक्वेंस के लिए, फर्स्ट टर्म चूज की, वो कौन सी चूज की हमने, इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म, यानी कि n1 इज नथिंग बट 3 हियर, एंड n2 इज, यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है हमारी, इसकी फिफ्थ टर्म, इसका मतलब n2 इज 5 हियर। देन n3 हमने क्या चूज किया, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, वो 7th टर्म। तो ये जो हमने नेचुरल नंबर्स चूज किए जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम टर्म्स निकाल रहे हैं, वो नेचुरल नंबर्स क्या बना रहे हैं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग है ये ऑर्डर। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो नेक्स्ट टर्म आपने चूज करनी है वो इससे नेक्स्ट होगी, इससे बड़ी होगी। ठीक है, नंबर जो नेक्स्ट टर्म आपने चूज करनी है वो टर्म इस टर्म से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस तरह से आपने नेचुरल नंबर्स का एक सीक्वेंस चूज करना है जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बने, और इन नेचुरल नंबर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी गिवन सीक्वेंस है उसमें से टर्म्स चूज करके एक नई सीक्वेंस बनानी है, एंड दैट इज सेड टू बी सब सीक्वेंस ऑफ द गिवन सीक्वेंस। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज यू हैव दिस सीक्वेंस 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। मैंने इसमें से सीक्वेंस बना ली 4, 10 एंड देन सपोज 14, देन 18 एंड सो ऑन। एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो सीक्वेंस का जो नेचुरल नंबर्स की हम बना रहे हैं ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होनी जरूरी है सिर्फ। इट डजंट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट जो ये डिस्टेंस है इनके टर्म्स के बीच में वो भी सेम हो। क्या मतलब इस चीज का, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने पहली टर्म सेकेंड चूज की है तो सेकेंड टर्म आपने 4th ही चूज करनी है, थर्ड टर्म आपने 6th ही चूज करनी है, मतलब एक एक छोड़ के ही करनी है, ऐसा जरूरी नहीं है।
हो सकता है आपका N1 सेकेंड टर्म हो, N2 आपकी फिफ्थ टर्म हो, N3 आपकी 11th टर्म हो, N4 आपकी 17th टर्म हो, N5 आपकी 29th टर्म हो। सिर्फ क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ऑर्डर कि जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो बड़ी आनी चाहिए, आगे वाले टर्म होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्म्स जो आप स्किप कर रहे हो वो इक्वल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फाइन, अब एक चीज और, हर एक सीक्वेंस अपने आप की सब सीक्वेंस भी है। क्यों? क्योंकि हमने क्या चूज कर लिया उस केस में, N1 को 1, N2 को 2, N3 को 3। ये सीक्वेंस जो बना रहे हैं हम, नेचुरल नंबर जो चूज कर रहे हैं वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। और हमारे जो सीक्वेंस बनेगी वो सेम ही बनेगी, इसका मतलब वो अपने आप की क्या बनेगी, सब सीक्वेंस। क्या कहा हमने, अगर मैं N1 को 1 लेती हूँ, यानी कि जो नई सीक्वेंस बनी उसकी फर्स्ट टर्म कौन सी आई, A1, जो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म थी। N2 को 2 लेती हूँ, यानी कि हमारे जो सीक्वेंस आई उसकी सेकेंड टर्म क्या होगी, A2। सिमिलरली द अदर थिंग्स, सो इट इज नथिंग बट An itself, सो इट मींस एवरी सीक्वेंस इज सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। फाइन, सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट एज मेनी एज सीक्वेंसेस, सब सीक्वेंसेस एज यू वॉन्ट। नाउ नेक्स्ट थ्योरम वी विल प्रूव, इफ अ सीक्वेंस An कन्वर्जेस टू L, देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ दिस सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्जेस टू L। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसकी सारी सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट पे क्या करेंगी, कन्वर्ज। हाउ विल यू प्रूव इट? हमें हमें क्या क्या गिवन गिवन है, है, द द सीक्वेंस सीक्वेंस ए एन एन कन्वर्जेस कन्वर्जेस टू टू एल। एल, इसका इसका मतलब मतलब क्या क्या हुआ, हुआ, हर हर एप्सिलॉन एप्सिलॉन के के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग वी वी कैन कैन फाइंड फाइंड आउट आउट अ अ नेचुरल नेचुरल नंबर नंबर एन एन सच सच दैट दैट मॉड मॉड ऑफ ऑफ ए ए एन एन माइनस माइनस एल एल इज इज लेस लेस देन देन एप्सिलॉन एप्सिलॉन फॉर फॉर ऑल ऑल एन एन इज इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन इक्वल इक्वल टू टू एम। एम। नाउ नाउ वी वी टेक टेक अ अ सब सब सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ ऑफ द द सीक्वेंस सीक्वेंस एंड एंड सपोज सपोज दैट दैट सब सब सीक्वेंस सीक्वेंस इज इज ए ए एन एन के के एंड एंड इट इट इज इज अ अ सब सब सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ ऑफ द द सीक्वेंस सीक्वेंस ए ए एन, एन, ठीक ठीक है। है। अब अब अगर अगर ये ये सब सब सीक्वेंस सीक्वेंस है है ए ए एन एन की, की, तो तो ऑब्वियस ऑब्वियस जो जो इस इस सीक्वेंस सीक्वेंस में में टर्म्स टर्म्स हैं हैं वो वो किसकी किसकी टर्म्स टर्म्स हैं, हैं, ए ए एन एन की की ही ही टर्म्स टर्म्स हैं, हैं, बट बट इसकी इसकी कुछ कुछ टर्म्स टर्म्स हैं, हैं, सारी सारी टर्म्स टर्म्स नहीं, नहीं, ठीक ठीक है। है। अब अब अगर अगर ए ए एन एन के के में में ए ए एन एन के के ही ही एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैं, हैं, तो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली इसमें इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऐसे ऐसे भी भी होंगे होंगे जो जो इस इस नेचुरल नेचुरल नंबर नंबर एम एम के के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स टर्म्स आएंगी आएंगी उनसे उनसे बड़े। बड़े। फाइन, फाइन, क्योंकि क्यों? क्योंकि इस इस सीक्वेंस सीक्वेंस में, में, ए ए एन एन सीक्वेंस सीक्वेंस में में जो जो एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैं हैं वो वो क्या क्या है, है, ए ए वन वन ए ए टू टू अप अप टू टू ए ए एम एम देन देन ए ए एम एम प्लस प्लस वन वन एंड एंड सो सो ऑन। ऑन। अब अब अगर अगर इस इस सब सब सीक्वेंस सीक्वेंस में में इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मेनी मेनी एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैं, हैं, तो तो वो वो सारे सारे एलिमेंट्स एलिमेंट्स ए ए वन वन से से लेकर लेकर ए ए एम एम तक तक नहीं नहीं होंगे। होंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि ये ये तो तो फाइनाइट फाइनाइट नंबर नंबर ऑफ ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स ही ही हैं, हैं, बट बट इस इस सीक्वेंस सीक्वेंस में में इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मेनी मेनी एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैं, हैं, इसका इसका मतलब मतलब इस इस सब सब सीक्वेंस सीक्वेंस में में जो जो एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैं हैं वो वो एम एम से से बड़े बड़े नेचुरल नेचुरल नंबर नंबर के के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग जो जो एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैं हैं उनमें उनमें से से भी भी एलिमेंट्स एलिमेंट्स बिलोंग बिलोंग करेंगे। करेंगे। और और सिर्फ सिर्फ फाइनाइट फाइनाइट नहीं, नहीं, इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली मेनी मेनी एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऐसे ऐसे होंगे होंगे सब सब सीक्वेंस सीक्वेंस में में जो जो इस इस नेचुरल नेचुरल नंबर नंबर एम एम के के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म टर्म है है उससे उससे बड़े बड़े होंगे, होंगे, ठीक ठीक है। है। तो तो अब अब अगर अगर इस इस तरह तरह के के एलिमेंट्स एलिमेंट्स इसमें इसमें हैं, हैं, तो तो वी वी सपोज सपोज दैट दैट एन एन के के नॉट नॉट इज इज द द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर, और और यू यू कैन कैन से से स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नेचुरल नंबर नंबर सच सच दैट दैट एन एन के के नॉट नॉट इज इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन एम। एम। अगर अगर इस इस सब सब सीक्वेंस सीक्वेंस में में इस इस नेचुरल नेचुरल नंबर नंबर एम एम के के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग जो जो टर्म टर्म है है उससे उससे बड़ी बड़ी टर्म्स टर्म्स एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर कर रही रही हैं, हैं, वो वो तो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली कर कर रही रही हैं, हैं, कर कर रही रही हैं। हैं। तो तो हमने हमने एक एक ऐसा ऐसा नेचुरल नेचुरल नंबर नंबर मान मान लिया लिया एन एन के के नॉट नॉट विच विच इज इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन दिस दिस एम, एम, ठीक ठीक है। है। तो तो इसका इसका मतलब मतलब क्या क्या हुआ हुआ कि कि इस इस एन एन के के नॉट नॉट के के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग जो जो टर्म टर्म होगी होगी उसका उसका डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम दिस दिस एल एल इज इज ऑब्वियसली ऑब्वियसली लेस लेस देन देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि हमने हमने क्या क्या कहा कहा था था कि कि वो वो सारे सारे नेचुरल नेचुरल नंबर्स नंबर्स जो जो एम एम से से बड़े बड़े हैं हैं उनके उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग जो जो सीक्वेंस सीक्वेंस की की टर्म्स टर्म्स हैं हैं उनका उनका डिस्टेंस डिस्टेंस एल एल से से क्या क्या होगा, होगा, लेस लेस देन देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। अब अब जो जो इस इस सब सब सीक्वेंस सीक्वेंस की की टर्म्स टर्म्स हैं हैं वो वो इस इस सीक्वेंस सीक्वेंस की की भी भी टर्म्स टर्म्स हैं, हैं, है ना। है ना। और और हमें हमें एन एन के के नॉट नॉट एक एक नेचुरल नेचुरल नंबर नंबर मिल मिल गया गया जो जो एम एम से से बड़ा बड़ा है, है, तो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली इसके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग जो जो टर्म टर्म आएगी आएगी उसका उसका डिस्टेंस डिस्टेंस भी भी एल एल से से क्या क्या होगा, होगा, लेस लेस देन देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक ठीक है। है। अब अब सिर्फ सिर्फ एक एक वैल्यू वैल्यू के के लिए लिए नहीं, नहीं, बल्कि बल्कि जो जो सारे सारे नेचुरल नेचुरल नंबर्स नंबर्स इस इस एन एन के के नॉट नॉट से से बड़े बड़े होंगे, होंगे,
अब इस सीक्वेंस में भी हमें पता है कि जो हम सब सीक्वेंस बनाते हैं तो ये जो सबस्क्रिप्ट होता है ये सबस्क्रिप्ट हम कैसे चूज करते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो अगर एन के नॉट एम से बड़ा है तो वो सारे नेचुरल नंबर्स जो एन के नॉट से बड़े होंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग भी जो टर्म्स आएंगी उन सबका डिस्टेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्यों? क्योंकि एन के इज ग्रेटर देन एन के नॉट एंड एन के नॉट इज ग्रेटर देन एम, तो ऑब्वियसली एन के इज ऑल्सो ग्रेटर देन एम। और वो सारे नेचुरल नंबर्स जो एम से बड़े हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी टर्म्स हैं सीक्वेंस की उन सबका डिस्टेंस एल से क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो ऑब्वियसली इन सबका डिस्टेंस भी एल से क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। एंड व्हाट इट मींस कि हर एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिल गया एम, सच दैट फॉर ऑल एन के ग्रेटर देन दिस एम मॉड ऑफ ए एन के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो इट मींस क्या मिल गया हमें कि दिस सीक्वेंस दिस सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल, और यही हमने प्रूव करना था। ये कोई भी सब सीक्वेंस थी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस सीक्वेंस की कोई भी सब सीक्वेंस लें तो वो भी किस पे कन्वर्ज करेगी, एल पे। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। व्हाई? सपोज यू हैव अ सीक्वेंस माइनस वन रेज टू पावर एन। अब इससे मैंने एक सब सीक्वेंस बनाई ए एन आर एस सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सीक्वेंस इज वन। मतलब मैंने इसकी कौन से एलिमेंट्स चूज कर लिए, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ एंड सो ऑन, है ना। ये सब सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करती है, वन पे। बट हमें पता है कि दिस सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज, है ना। वी ऑलरेडी नो दैट ये सीक्वेंस जो है माइनस वन रेज टू पावर एन ये कन्वर्ज नहीं करती, बट इसकी जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है। और कन्वर्ज बनता क्या था उस केस में कि अगर कोई सब सीक्वेंसेस हैं इसके अंदर जो कन्वर्ज करती हैं तो ऑब्वियसली सीक्वेंस भी क्या करनी चाहिए, कन्वर्ज। बस ऐसा नहीं है, हो सकता है सब सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती हो बट सीक्वेंस कन्वर्ज ना करे, फाइन। बट अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसकी सब सीक्वेंसेस हमेशा उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी जहां वो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, फाइन। नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज इफ अ सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। अगर कोई सीक्वेंस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी पे डाइवर्ज करती है तो उसकी सब सीक्वेंस भी उसी इंफिनिटी और एक और माइनस इंफिनिटी पे क्या करेंगी, डाइवर्ज, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर सीक्वेंस ए एन डाइवर्ज करती है इंफिनिटी पे तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी डाइवर्ज करेगी इंफिनिटी पे, और अगर सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी देन एवरी सब सीक्वेंस ऑल्सो डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी। वन पार्ट आई विल प्रूव एंड द अदर यू विल ट्राई योरसेल्फ। मैं प्रूव कर रही हूँ कि इफ सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू इंफिनिटी then its subsequence will also diverge to infinity, will also diverge to infinity, ठीक है। हमें given क्या है, sequence diverges to infinity, इसका मतलब हम हर बड़े से बड़े, हम कितना भी बड़े से बड़ा natural number लें k, however large it is, इसके corresponding we can find out a natural number m such that for all n is greater than equal to m, वो सारे numbers जो m से बड़े हैं उनके corresponding जो terms आएंगी वो इस case से क्या हो जाएंगी, बड़ी, ठीक है। same उसी तरह से जैसे हमने पिछले वाले result में किया था। now we suppose this is a sub sequence of the sequence an, अगर ये सब सीक्वेंस है ए एन सीक्वेंस की तो ऑब्वियसली इसमें एम के बाद वाली इनफाइनिटली मेनी टर्म्स लाई करेंगी, ऐसा एक नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा जिस जो एम से क्या होगा, बड़ा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स इस सीक्वेंस में लाई करेंगी। क्यों करेंगी, बिकॉज एम इज अ फाइनाइट नंबर। अगर हम ये कहें कि इफ ऑल द टर्म्स all the terms in this subsequence are less than an, this is not
पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज दिस सबसीक्वेंस कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, बट ए एम से छोटी टर्म्स कितनी आएंगी? ओनली फाइनाइटली मेनी टर्म्स. देयरफॉर एनी सबसीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ए एन कैन नॉट कंटेन्स ऑल द टर्म्स लेस देन ए एम. इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर एन के नॉट विच इज ग्रेटर देन एम such that mod of an such that ank naught is greater than k where nk naught is greater than m. अब जो हमने सब सीक्वेंस बनाई थी उसमें हमने कहा था ये नेचुरल नंबर्स किस टाइप के होते हैं? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होते हैं. इसका मतलब ऑल दोज एन केस विच आर ग्रेटर देन एन के नॉट दे आर ऑल्सो ग्रेटर देन एम. सो देयरफॉर उन सब नंबर्स के लिए भी ये वैल्यू के से क्या हो जाएगी? बड़ी. फॉर व्हाट? फॉर ऑल एन केस आर ग्रेटर देन एम. इट मींस हमें क्या मिल गया? वी हैव फाउंड फॉर एवरी के हाउएवर लार्ज नंबर देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एम सच दैट ए एन के इज ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन के इज ग्रेटर देन एम. इसका मतलब क्या हुआ? दिस सबसीक्वेंस ए एन के डाइवर्जेस टू इंफिनिटी. मेन चीज क्या है इस केस में कि इस नेचुरल नंबर से बड़े एलिमेंट्स इस सब सीक्वेंस में भी लाई करते हैं और जो कंडीशन इस नेचुरल नंबर से बड़े सारे एलिमेंट्स के लिए सीक्वेंस के लिए होल्ड करती है वो कंडीशन सेम कंडीशन इस सब सीक्वेंस के उन सारे एलिमेंट्स के लिए भी होल्ड करेगी जो एम से बड़े एलिमेंट्स बड़े नेचुरल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं और वहीं से ये कंडीशन ट्रू हो जाती है. ठीक है. सो हमने क्या प्रूव किया कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी वहीं कन्वर्ज करेगी. अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्ज करती है तो उसकी हर सब सीक्वेंस वहीं डाइवर्ज करेगी. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि अगर कोई सीक्वेंस ऑसिलेटरी है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी क्या हो? ऑसिलेटरी. Before doing this remark, I am going to tell you one more thing. क्या चीज कही हमने कि if a sequence an is oscillatory, अगर कोई sequence oscillatory है then it is not necessary. It is not necessary that every subsequence of that sequence, every subsequence of that sequence also oscillate. For example, minus 1 raised to power n, this is an oscillatory sequence. बट अगर मैं इसकी सब सीक्वेंसेस की बात करूं, आई कैन क्रिएट टू सब सीक्वेंसेस. एक तो सारे एलिमेंट्स 1 हो और एक सब सीक्वेंस जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो? माइनस 1. बोथ सब सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट बट दिस गिवन सीक्वेंस इज एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस. ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई सीक्वेंस ऑसिलेट करती है तो उसकी सब सीक्वेंसेस भी क्या करें? ऑसिलेट करें. नाउ कन्वर्स ऑफ अवर थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू. पहले तो कन्वर्स बनेगा क्या कि अगर किसी सीक्वेंस की सारी सब सीक्वेंसेस डाइवर्ज करती हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस भी क्या करे? डाइवर्ज करे. ठीक है. अगर कोई सीक्वेंस की सारी सब सीक्वेंसेस क्या करती हैं? डाइवर्ज करती हैं. देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट सीक्वेंस आल्सो डाइवर्जेस. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक दिस सीक्वेंस which contains elements of the type minus 1 2 square, minus 3 square, 4 square, minus 5 square, 6 square and so on. You can see इसकी दो subsequences हैं. एक subsequence बना दी हमने which is of the type which contains negative elements minus 1 square, minus 1, minus 3 square, minus 5 square and so on. एक सब सीक्वेंस बना देते हैं हम जिसमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स ले लेते हैं, टू स्क्वायर, फोर स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. यू कैन सी इजीली दिस डाइवर्जेस टू इंफिनिटी एंड दिस सीक्वेंस डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी. बट ये क्या करती है?
ऑसिलेट करती है ना, एक पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं फिर हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो दिस सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस, बट इसकी सब सीक्वेंसेस ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही है, एक इन्फिनिटी भी डाइवर्ज कर रही है, एक माइनस इन्फिनिटी भी डाइवर्ज कर रही है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट सीक्वेंस ऑल्सो डाइवर्ज, फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिफाइन दैट इज सब सीक्वेंशियल लिमिट। सब सीक्वेंशियल लिमिट क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस ए एन अगर आपको गिवन है, अ रियल नंबर एल इज सेड टू बी सब सीक्वेंशियल लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन इफ देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन विच कन्वर्जेस टू एल। अगर ए एन सीक्वेंस में आपके पास एक सब सीक्वेंस मिल जाती है जो इस पॉइंट एल पे क्या करती है, कन्वर्ज, देन वी से दैट दिस एल इज सबसीक्वेंशियल लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अब आप दोनों चीजों में क्लियर होना चाहिए, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस और सबसीक्वेंशियल लिमिट। जिस पॉइंट पे, जिस रियल नंबर पे सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, दैट पॉइंट इज नथिंग बट लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। एंड सबसीक्वेंशियल लिमिट जिन पॉइंट्स पे उस सीक्वेंस की सब सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर रही हैं, वो रियल नंबर्स क्या होते हैं, सबसीक्वेंशियल लिमिट्स। लाइक यू हैव अ सीक्वेंस माइनस वन रेज टू पावर एन, मैंने इसकी दो सबसीक्वेंस बना दी, एक सारे एलिमेंट्स वन और दूसरी सबसीक्वेंस जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, माइनस वन। सो ये दोनों सबसीक्वेंसेस कहाँ कहाँ कन्वर्ज करती है, दिस कन्वर्जेस टू वन एंड दिस कन्वर्जेस टू माइनस वन। So 1 and minus 1 are two subsequential limits of this sequence. ठीक है? Clear now? Now next result is, a real number L is a limit point of the sequence AN if and only if there exists a subsequence of AN converges to L. कोई भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जो है, कोई भी रियल नंबर किसी भी सीक्वेंस का अगर लिमिट पॉइंट है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं जो उस पे क्या करे, एल पे कन्वर्ज करे। और अगर कोई सब सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, देन दैट रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अगेन रिपीट करते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, इफ यू हैव एनी लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, लेट एल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, एल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस ए एन, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस। इसका मतलब हम एक सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं ऑफ ए एन विच कन्वर्जेस टू एल। हम ए एन में एक ऐसी सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं जो इस एल पे क्या करेगी, कन्वर्ज। एंड उल्टा क्या कहा उसने, कि अगर एक ऐसी सब सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करती है, अगर एक ऐसी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है ऑफ ए एन विच कन्वर्जेस टू एल, जो एल पे कन्वर्ज करती है, देन एल क्या होगा, देन एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, हम दोनों चीजों को प्रूफ करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वी प्रूव दैट इफ एल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस ए एन, देन वी हैव टू फाइंड आउट अ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन विच कन्वर्जेस टू एल। ठीक है, अगर L लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, कि हम इस पॉइंट के हर नेबरहुड में इस सीक्वेंस का एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इट मींस एवरी नेबरहुड ऑफ L कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ, इवन इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स कंटेन करता है ना, हम एक एलिमेंट में से भी हमारा काम चल जाएगा, तो हम कहते हैं कि कंटेन्स एलिमेंट्स लिख दिया, तो ठीक है, इट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ ए एन। अब मैं डिफरेंट डिफरेंट नेबरहुड्स कंसीडर करती हूँ। इफ आई टेक फर्स्ट नेबरहुड दैट इज एप्सिलॉन इक्वल टू वन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल के क्रॉस नेबरहुड बनेगा, सपोज दैट इज एल माइनस वन टू एल प्लस वन। अब इसके अंदर इस सीक्वेंस का एक एलिमेंट होगा एंड वी सपोज दैट एलिमेंट इज ए एन वन, फाइन। अब एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक एलिमेंट इस नेबरहुड के अंदर लाई करेगा एंड वी सपोज दैट एलिमेंट इज ए एन टू। ठीक है, हम इस चीज को एक तरह से और लिख सकते हैं, दिस मीन्स ए एन वन माइनस एल का मॉडुलस इज लेस देन वन। ठीक
ठीक है। एंड सिमिलरली आई कैन राइट ए एन टू माइनस एल इज लेस देन हाफ। क्लियर। नाउ फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/3, अगेन एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इस एप्सिलॉन के, इस एल के 1/3 एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई करेगा। इसका मतलब दिस इज लेस देन 1/3। क्या कहा हमने, अगर हम एप्सिलॉन को 1/3 लेते हैं तो एल के क्रॉस अगर ये नेबरहुड लूं तो इसमें भी कम से कम सीक्वेंस का एक एलिमेंट बिलोंग करेगा। तो ऐसे करते करते हम एप्सिलॉन को कुछ भी चूज कर सकते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वी विल फाइंड एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड ऑफ एल। ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, लेट्स प्लॉट इट ऑन द नंबर लाइन। सपोज दिस इज योर नंबर एल एंड दिस इज द डिस्टेंस 1, दिस इज योर एल माइनस 1 एंड दिस इज योर एल प्लस 1। सो ए एन 1 कहीं यहाँ लाई कर रहा था, अब हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो ए एन 2 कहीं यहाँ लाई कर रहा था, फिर हमने डिस्टेंस को और कम कर दिया, सपोज दिस इज योर एल माइनस 1/3 टू एल प्लस 1/3। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। ऐसे करते करते हम कहाँ तक आए, एल माइनस 1/k टू सपोज एल प्लस 1/k। फाइन, तो इसके अंदर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए एन के। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए। सपोज दिस इज योर एल एंड दिस इज एल माइनस 1/k एंड दिस इज योर एल प्लस 1/k। अगर मैं डिस्टेंस को और छोटा करती हूँ तो इस ए एन के अलावा इसके अंदर, अगर मैं इसको 1/nk एल माइनस के प्लस 1 टू एल प्लस के प्लस 1 लूँ तो इसके अंदर भी सीक्वेंस का एक एलिमेंट बिलोंग करेगा, सपोज दैट इज एन के प्लस 1। ठीक है, ऐसी अगर मैं इसको और डिक्रीज करती जाऊँ तो इसके अंदर ही सीक्वेंस के और एलिमेंट्स बिलोंग करते जाएंगे। फाइन, तो इसका मतलब इस सीक्वेंस के इन फाइन, क्योंकि ये नेचुरल नंबर तो मैं कितना भी छोटे से छोटा ले सकती हूँ, 1/something मैं कितना भी नंबर ले सकती हूँ, तो इन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये क्या क्रिएट कर लिया, वी हैव क्रिएटेड अ सीक्वेंस ए एन आई वेयर ए एन 1 उस रीजन में बिलोंग कर रहा है, ए एन 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, ए एन 3 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट्स बने हमने इनसे एक सीक्वेंस बना ली और हमने क्या देखा कि इफ आई टेक एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/k देन ए एन एल माइनस एल की जगह हम कुछ और नंबर ले लेते हैं बिकॉज एल हम ऑलरेडी यहाँ यूज कर रहे हैं, एन टी ले लेते हैं, इज लेस देन 1/k फॉर ऑल एन टी इज ग्रेटर देन, ये नेचुरल नंबर्स किससे बड़े, जो एन के था और उसके इक्वल। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, हमने इस चीज को क्या लिखा, वो सारे नंबर्स जो एन के से बड़े हैं या एन के इक्वल हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो एन के से बड़े हैं या एन के इक्वल हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये सारे नंबर्स आए, इन सब का डिस्टेंस एल से क्या हुआ, लेस देन 1/k। ये सारे एलिमेंट्स एल के 1/k एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई कर रहे हैं। हमने सिर्फ इसी चीज को मैथमेटिकली लिख लिया, इफ आई चूज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1/k देन ऑल दोज नंबर्स विच आर नेचुरल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन के, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, एल के 1/k एप्सिलॉन नेबरहुड में लाए कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नथिंग बट एप्सिलॉन, हमने एप्सिलॉन ये चूज किया था। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि हम एप्सिलॉन कितना भी चूज कर लें, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन के, इसको हम एम मान लेते हैं एन के को, सच दैट मॉड ऑफ ए एन टी माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एल। ठीक है, सो फाइनली व्हाट वी गेट कि ये जो सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है ए एन की, इट कन्वर्जेस टू
एल, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, अगर एल लिमिट पॉइंट था सीक्वेंस का तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक सब सीक्वेंस निकाल ली जो इस पॉइंट पे क्या करती है, कन्वर्ज. नाउ विल प्रूव द कन्वर्स पार्ट. नाउ कन्वर्स पहले तो बनेगा क्या कि अगर हमारे पास कोई एक सब सीक्वेंस है जो किसी पॉइंट एल पे क्या करती है, कन्वर्ज, देन वी हैव टू प्रूव दैट एल इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस. सो सपोज ए एन के इज अ सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू एल. अगर ये एल पे कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एम सच दैट मॉड ऑफ ए एन के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम. इसका मतलब जो इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं, एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में फॉर ऑल एन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम. इट मीन्स इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ दिस सब सीक्वेंस बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन, है ना. एन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए कंडीशन होल्ड कर रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सब सीक्वेंस ए एन के बिलोंग्स टू एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल. ठीक है, अब जो एलिमेंट्स ए एन के हैं ये सब सीक्वेंस है ए एन की, तो इसका मतलब दीज आर नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ ए एन ऑल्सो. इट मीन्स कि एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एल contains infinitely many elements of an. अगर वो ए एन के इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है और ए एन के जो एलिमेंट्स हैं वो ए एन के ही हैं, तो इसका मतलब ये ए एन के इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट्स को एल का हर एक एप्सिलॉन नेबरहुड क्या कर रहा है, कंटेन. सो दिस मीन्स एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस ए एन, और हमें यही प्रूव करना था, है ना. एल क्या था, एल हमारा वो पॉइंट था जहाँ सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, बट इसके हर एप्सिलॉन नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या बन गया, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस ए एन. सो दिस इज ऑल अबाउट सब सीक्वेंसेस. थैंक यू वेरी मच.